हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लासेस 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है इसकी खोज सर्वप्रथम डी ड्यू जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1966 ईस्वी में की। पेरोक्सिसोम जो है वो सूक्ष्म आकार जो होता है इसका वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है। गोलाकार कोशिकांग है, इसका आकार जो है वो गोलाकार सर्किल होता है या राउंडेड होता है। ये जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है उन दोनों में ये उपस्थित होता है। सिर्फ एनिमल के अंदर प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ संघ जो होता है उसके अंदर आने वाले जितने भी जीव हैं उनको छोड़कर सभी जंतुओं में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कि इसमें नहीं पाया जाता, तो प्रोटोजोआ के अंदर ये नहीं पाया जाता है। अब जंतुओं में, एनिमल में जो होता है पेरोक्सिसोम लीवर और किडनी, लीवर, यकृत, किडनी, वृक्क, यकृत और वृक्क जो कोशिकाएं जो होती हैं, या लीवर और किडनी जो है उसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पेरोक्सिसोम उपस्थित होता है। प्रोटोजोआ के अंदर अनुपस्थित रहता है। ऑल प्लांट सेल सभी पादप कोशिकाओं के अंदर यह पाया जाता है। जितना पादप जो होते हैं, पादप की कंप्लीट जितने भी सेल्स होती हैं उन सभी सेलों के अंदर या कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है? पादप कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं होती हैं, फोटोसिंथेसिस जो कोशिकाएं करती हैं जिससे भोजन का निर्माण होता है, वो प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं होती हैं पादप की, उनकी प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुतायत में ये पाई जाती है। पेरोक्सिसोम के अंदर भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। इनमें ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटेलेज एंजाइम, कैटेलेज प्रकृति के जो एंजाइम होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। फंक्शन, कार्य, मुख्य रूप से प्लांट जो सेल है उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान ये देती है। तो इस प्रकार से पेरोक्सिसोम जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। धन्यवाद।